आज हम कह रहे हैं रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा लिखी हुई कहानी नमक का सारांश। कहानी का सार इस प्रकार से है। यह कहानी भारत में भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित जो व्यक्ति हो गए थे, विस्थापित होना यानी उनके अपने घर बार छूट गए थे, उनकी भावनाएं जो थी अभी भी अपने अपने देशों के साथ जुड़ी हुई थी। किसी को भारत छोड़ना पड़ा था और किसी को पाकिस्तान, लेकिन उनके दिलों से अभी अपने देश निकले नहीं थे। विस्थापित होकर के यानी अपना घर छोड़ कर के सिख भी आज भी लाहौर को ही अपना देश मानते हैं और सौगात के रूप में लाहौर का नमक उन्हें याद आ जाता है और वो चाहती हैं कि उन्हें जो भी गिफ्ट दिया जाए उस गिफ्ट में वह नमक लेकर के आए। एक पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ढाका को अपना वतन बताता है। राजनीतिक यथार्थ के आधार पर अब इनके देश बदल गए हैं, लेकिन उनके हृदय में उनके देश, किसी का लाहौर, किसी का दिल्ली या किसी का ढाका, अभी भी उनसे जुड़ा हुआ है। अपने जन्म स्थान से अलग होकर के ये लोग हृदय के स्तर पर मूल स्थान को भुला नहीं पाए हैं। लेखिका आशा करती है कि ये सीमाएं एक दिन बेमानी हो जाएंगी। इस प्रकार की आशा का जीवित रहना सभी देशों के हित में है। एक कीर्तन में साफिया का अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर पर जाना होता है, जहां पर एक सिख बीबी को देखकर उन्हें अपनी माँ की याद आ जाती है, क्योंकि सिख बीबी उनकी माँ की हमशक्ल थी। साफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी ने उनके विषय में जानकारी करनी चाहिए। घर की बहू ने बताया कि साफिया मुसलमान है, जिसके भाई लाहौर में रहते हैं और वह लाहौर उनसे मिलने जा रही है। तो सिख बीबी ने बताया कि उनका वतन भी लाहौर है और उसे वहाँ के व्यक्ति, वहाँ का खाना, पहनावा, सैर सपाटे और जिंदा दिली आज भी याद आती है। लाहौर की याद में सिख बीबी की आंखों में आंसू निकल आते हैं। साफिया ने सांत्वना की दृष्टि से पूछा कि क्या आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहेंगी, आपको कोई गिफ्ट चाहिए? इसके उत्तर में बीबी ने थोड़े से लाहौरी नमक की इच्छा प्रकट कर दी। साफिया लाहौर में 15 दिन रुकती हैं और उसकी अच्छी खातिरदारी होती है और उसे पता ही नहीं चलता कि 15 दिन कब बीत गए, और उसे अपने मित्रों, शुभचिंतकों, संबंधियों से ढेर सारे उपहार भी मिलते हैं। उसने 1 किलो नमक भी खरीद लिया था, सामान की पैकिंग चल रही थी। पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैरकानूनी है, अतः साफिया ने इस सौगात को ले जाने के लिए अपने बड़े भाई से बात की, जो एक पुलिस अफसर था। साफिया के पूछने पर भाई ने बताया कि नमक ले जाना गैरकानूनी है और कस्टम वाले आपके सामान की तलाशी लेंगे और वैसे भी भारत में कोई नमक की कमी नहीं है। तो साफिया ने बताया कि माँ की हमशक्ल किसी सिख बीवी ने नमक मंगवाया है और यह मैं उनके लिए सौगात के रूप में ले जाना चाहती हूँ, यानी उन्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ। भाई ने तर्क दिया तो साफिया ने कहा कि मैं इसे चोरी छिपे नहीं बल्कि दिखा करके ले जाना चाहती हूँ। साफिया ने प्रेम, आत्मीयत और शालीनता को कानून से ऊपर मान करके कहा कि वह नमक चोरी छिपे नहीं ले करके जाएंगी बल्कि दिखा करके ले करके जाएंगी। भाई के कहने पर आप नमक नहीं ले जा पाएंगी, बदनामी अवश्य होगी। क्रोध की अधिकता में साफिया की आंखों में आंसू आ गए। साफिया ने रात को सामान की पैकिंग कर ली, सामान सूटकेस और बिस्तर बंद में रख लिया। किन्ने की एक उसके पास बास्केट रखी थी। किन्नू होता है माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक। उसकी टोकरी में उन्होंने रख ली नमक की पुड़िया।
साफिया ने नमक की पुड़िया किन्नू की टोकरी के नीचे छुपा दी। उसने लाहौर आते समय देखा कि भारत से जाने वाले केला ले जा रहे थे और पाकिस्तान से आने वाले किन्नू ला रहे थे। कस्टम वाले इन फलों की जांच नहीं कर रहे थे और उसे विश्वास था कि नमक भी सुरक्षित भारत पहुंच जाएगा। अतः नमक को किन्नू की टोकरी में छिपा दिया गया। सामान की पैकिंग के बाद साफिया सो गई और वह लाहौर के घर के सौंदर्य, यहाँ के परिवेश, भाई और अपने सगे संबंधियों के सपन देख रही थी। उसे भतीजियों की भोली भाली बातें याद आ जाती हैं और कल चले जाने पर उसे फिर कब आने या कभी न आ पाने की चिंता भी स्वप्न में दिखाई देती है। सिख बीबी और उसकी आंखों से निकले आंसू, इकबाल का मकबरा और लाहौर का किला उसे साफ दिखाई दे रहे हैं। अचानक उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि नींद में उसका पैर किन्नू की टोकरी पे जा पड़ा था, जिनको देते समय उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। ट्रेन में साफिया सोचती है कि आसपास इतने लोग हैं लेकिन केवल उसे ही पता है कि किन्नू की टोकरी में नमक है। जब उसका सामान जांच के लिए जाने लगा तो उसे हल्का सा कंपन हुआ। उसने तय किया था कि प्रेम की सौगात चोरी से नहीं लेकर के जाएगी, इसलिए उसने नमक की पुड़िया निकाल करके अपने बैग में रख ली। सामान जांच के लिए रेल की ओर चला तो एक कस्टम अधिकारी को उसने यह बात बताई। समस्या से पहले साफिया ने पूछ लिया था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि वह दिल्ली के रहने वाले हैं। इसी आधार पर साफिया की हिम्मत बढ़ गई और उसने हैंडबैग से पुड़िया निकालकर मेज पर रख दी और सारी बात बता दी। कस्टम अधिकारी ने स्वयं अपने हाथ से पुड़िया बैग में रख दी। जब साफिया चलने लगी तो उन्होंने कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। साफिया से अंत में कस्टम अधिकारी ने कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। गाड़ी भारत की ओर बढ़ने लगी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा गया और उसके हैंडबैग से पुड़िया निकलती है और कस्टम अधिकारी से कहा कि मेरे पास थोड़ा सा नमक है, तो साफिया ने अधिकारी को सब कुछ बता दिया। अधिकारी ने साफिया की बात गौर से सुनी और साफिया के सामान का ध्यान रखने का निर्देश देते हुए साफिया से कहा, इधर आइए जरा। अधिकारी साफिया को प्लेटफॉर्म के कमरे में ले गया, सम्मान से बिठाया, चाय पिलाई और फिर एक किताब दिखाई जिसके ऊपर लिखा था, शमसुस्सलाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। साफिया के पूछने पर सुनील दास गुप्ता ने कहा, मेरा वतन ढाका है, बचपन में हम नजरुल और टैगोर दोनों को ही पढ़ते थे, यानी दोनों देशों के लेखकों को हम पढ़ते थे। विभाजन से पहले वर्ष पढ़ने वाली मेरी सालगृह पर मेरे मित्र ने मुझे यह किताब दी थी। इस प्रकार से वह पुड़िया साफिया के बैग में रखकर आगे आगे चलने लगा और पीछे पीछे साफिया। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सुनील दास गुप्त सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। साफिया सोच रही थी किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ।